प्यारे दोस्तों, आज हमारे बीच में एक महान विद्वान करण बंसल जी आए हुए हैं, तथा जिनकी स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल्स में है। आपको कितने साल हो गए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में? इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये मैं 2006 से हूँ। 2006 में मैं डिग्री में आया था, तब मैंने इलेक्ट्रिकल ली थी, तब अच्छा, से मैं मतलब इसी फील्ड में अच्छा, ये 2006 से इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, तथा इन्होंने बीटेक इन इलेक्ट्रिकल किया हुआ है। तो आज हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल क्या है। मीन्स अगर मैं एक अननोन पर्सनैलिटी हूँ जो बिजली से भी हल्का सा हाथ लगाने से भी डरता हूँ, तो मेरे लिए इलेक्ट्रिकल क्या चीज है, ये क्या है, क्या इससे डरना चाहिए या इसको समझना चाहिए? इलेक्ट्रिकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिकल एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप मतलब स्टडी करते हो, उसको देख नहीं सकते, नेक आई से देख नहीं सकते उस चीज को। मतलब आप कह रहे हो करंट है, हाँ, करंट करंट कभी भी दिखता नहीं आपको, बिल्कुल ठीक है। वो हमेशा मतलब एक वायर में ट्रैवल करेगा, लेकिन वो कभी आपको दिखाई नहीं दे सकता, आप दिखाई नहीं देख सकते उसको, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बात आता हूँ करंट पर, होता क्या बेसिकली, इलेक्ट्रिकल बिल्कुल होता क्या है। अब जैसे बात कर लो, जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रखने की कोशिश करूँ बिल्कुल तो वो नीचे गिर जाएगा। क्यों बिल्कुल गिरेगा? क्योंकि दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स तो लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल, जो उसको कहते ठीक है, ग्रेविटेशनल हैं, फोर्स, हाँ कुछ ना कुछ बिल्कुल तो फोर्स लग रही है जो बिल्कुल उसको खींच रहा है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। तो बेसिकली करंट भी एक वही चीज है, मतलब एक तरीके की और फोर्स है हमारे एटम्स के अंदर, ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बिल्कुल, फॉर्म में, मतलब कि एक यहां से खींचेगा कोई मतलब दो मतलब फोर्स है, फोर्स मतलब है। फोर्स है। अब जैसे ये और ये मतलब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को खींचते हैं बाय खींचते हैं, मास, बिल्कुल मास के कारण, ठीक है, बिल्कुल अर्थ और इसके बीच में है, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, तभी वो एक दूसरे को खींच रहे हैं बाय ऐसे मास। ऐसे करंट एक दूसरे को खींचता है, मतलब करंट में क्या होता है, करंट में बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, एटम के अंदर बिल्कुल जो एक डिफरेंट फोर्स की तरह खींचते हैं आपस में, खींचते हैं, डिफरेंट जो दूसरे तरीके की फोर्स है, बिल्कुल बिल्कुल। वो ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल उसको नहीं है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ग्रेविटी का जो फोर्स नहीं है, वो कुछ ग्रेविटी और, वो दूसरे तरीके की फोर्स है। ठीक है, मतलब यूनिवर्स में चार तरीके की फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो ठीक दूसरी तरीके की इलेक्ट्रिकल फोर्स ठीक होती है, है, इलेक्ट्रिकल। और ठीक दो है, और कौन सी हैं? ठीक है। दो के बारे में नहीं पता मुझे, ठीक ठीक है। है, तो जो चीज ये है, अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक होता है। दोनों के ऑब्जेक्ट्स के दोनों के ऊपर कुछ ऐसा हुआ हुआ है, कुछ बिल्कुल ऐसा है जो बिल्कुल, एक दूसरे को खींचते खींचते हैं, खींचते हैं, ठीक है, ठीक खींचते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जैसे मतलब अगर एक प्रोटॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बिल्कुल अगर मैं छोड़ दूँ यहाँ पर, तो बिल्कुल, वो आपस में टकरा देंगे, टकरा जाएंगे, आपस में एक दूसरे की तरफ भागेंगे, भागेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसी फोर्स को इस्तेमाल करके एक बिल्कुल, करंट बनाया गया, ठीक, मींस वायर करंट। कोई भी चीज चलनी है, चाहे पंखा चलना है, चाहे टीवी चलना है, उस फोर्स की यूटिलाइजेशन है। वो इलेक्ट्रिकल करंट जो हो रहा है उस फोर्स के यूटिलाइजेशन से नहीं, हो रहा है। बाकी मैंने ये भी सुना है कि जो एनर्जी है ना, इसको हम ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, सिर्फ रूप चेंज हो जाता है। नहीं, एनर्जी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, हाँ, ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा हम सकते घटा हैं, सकते वो हैं, हमेशा सेम रहेगा, चाहे किसी भी तरीके की फोर्स हो, चाहे जो मर्जी हो, बिल्कुल। ठीक फिर है। उसका हमने प्रेशर कैसे देते हैं कि मतलब कि ये फोर्स में हाँ, हम, अब देखो प्रेशर की बात आती है, जैसे पानी का मैंने टैंक ऊपर उठा दिया, ठीक, वहां से नल खोल दिया, पानी अपने बॉटम में नीचे गिर रहा है, नीचे गिर ठीक रहा है। है, एक तरीके का मैंने पानी का लेवल बढ़ा दिया ऊपर से, ठीक बिल्कुल बिल्कुल है, पानी का लेवल बढ़ा दिया, बिल्कुल। ठीक है। ऐसे जो अब मैं क्या करंट करता हूँ, है ना, करंट में भी ऐसे ही होता हाँ, है, करंट में भी ऐसे ही होता है। क्या होता है कि जैसे हमने प्रोटोन को बोला कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव क्यों ये नेगेटिव क्यों, ये रैंडमली मान दिया, एक बिल्कुल स्टैंडर्ड मान बिल्कुल दिया, मतलब ऐसे उसका कोई पीछे बिल्कुल रीजन नहीं है, ठीक बिल्कुल, है। मैं क्या करता हूँ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देता हूँ, दो दो जगह पर रख देता हूँ, ठीक है, दो डिफरेंट जगह पर, ठीक है। बिल्कुल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स रख देता हूँ, ठीक बिल्कुल, है। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये सभी की सभी किसकी तरफ भागेंगे, प्रोटॉन्स की तरफ, प्रोटॉन्स की तरफ बिल्कुल भागेंगे। बिल्कुल, जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसी को करंट बोलते हैं, इसी को करंट बोलते इसी को हैं, करंट बोलते हैं। मतलब यहाँ यही, एक चुंबक लगा हुआ है, हाँ, ये लोहा ये है, लोहा ये है, इसके जब पीछे, जब इसको बिल्कुल छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा, बिल्कुल, ठीक है, तो इसको एकदम से उसकी तरफ मतलब भागेगा, इसको डरने वाली कोई बात नहीं है, मतलब एक डरने चुंबक का वाली, खेल है, हाँ, ये इस तरीके का फोर्स है एक बेसिकली। फोर्स अब है, जो तार होती है, एक हाँ। तार की बात में आते हैं, अच्छा, तार होती इंसान को एक बीच में झटका सा लगता है, मतलब हाथ लगाता है, वो उसने उसमें रुकावट पैदा की है क्या उस फोर्सों में?
नहीं क्या होता है हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे एक करंट की तार जा रही है, मेरे को उसको हाथ लगाया, उसको मेरे को झटका लगा, इलेक्ट्रिक का एक बहुत झटका लगा, मैं गिर गया, क्या मैं उसके बीच में रुकावट पैदा कर रहा था? नहीं, रुकावट पैदा नहीं कर रहे थे। हमारी बॉडी के न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल मीन्स मतलब अगर एक जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज है जितना प्रोटॉन चार्ज है दोनों को मिक्स कर दे तो ओवरऑल न्यूट्रल बन जाएगा। हमारी बॉडी पूरी न्यूट्रल है, ठीक है। हमारे जो से सेल्स बने हुए हैं, हमारे बॉडी के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो सब न्यूट्रल है, ठीक है। अगर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स पास करवाने लग जाए, ठीक है, वो सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मतलब किसी ने चुंडी कर दी, मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, झटके से मतलब क्या हो गया, मतलब दर्द होने लग जाता है। वैसे ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर मैंने सेल में से पास करवाया, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, वो हमें झटका लगता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये ज्यादा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं, लेकिन हम उसको किसी को ऐसे छेड़ नहीं सकते, अपनी बॉडी में से पास नहीं करा सकते, पास नहीं करा सकते। अगर ज्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रॉन्स पास करने लग जाए तो क्या होता है कि किसी की बॉडी वो डेड कर देंगे, सेल को डेड कर देंगे, सेल को डेड कर देंगे, हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए किसी की वजह, मतलब ज्यादा करंट पास हो जाए तो मतलब सावधानी आवश्यकता, पर डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभकारी है। तो आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रिकल की परिभाषा दी, एक अलग तरह की फोर्स है ये, और दूसरा ये है बहुत ही उपयोगी है जनजीवन के लिए, इसको समझना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। तो आप कम्युनिटी को जो हमारी है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि इलेक्ट्रिकल की फील्ड में जाना चाहिए? इलेक्ट्रिकल की फील्ड बड़ी वास्ट है, मतलब इससे मतलब ये है कि मतलब इलेक्ट्रिकल का कभी मतलब फ्यूचर खत्म नहीं हो सकता, बिल्कुल, क्योंकि हर किसी को बिजली की जरूरत है, इंडस्ट्रीज को बिजली की जरूरत है, बिल्कुल, ठीक है। आजकल मतलब एक तरीके से जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, चौथी चीज हमारी बिजली, बिजली है जो डिपेंड हो गया है, तो मतलब ये कभी फ्यूचर में खत्म नहीं हो सकती। हर नौजवान को ये बिजली का काम सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। और ये मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर एक छोटा सा बेसिक्स समझ आ जाए बात कि मतलब उसको कैसे मतलब यूज करते हैं, मतलब उसको कैसे मतलब किया जा सकता है, तो इसमें आने वाले समय में काफी संभावनाएं भी हैं इस फील्ड में आगे, मतलब इसका मतलब कभी फ्यूचर खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।